क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि इन क्वेश्चंस के हमें क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो इसमें बात हो रही है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर हम रिकॉल करें तो थर्ड क्वेश्चन में हमने ये किया था, एक तरफ तो क्लास इंटरवल थे और एक तरफ क्या थी, टेलीमार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी, ये मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसमें हमें बनाई थी। क्लास इंटरवल 810 से लेके कहाँ तक है, अप टू 900, और ये इनकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम क्या होता है, इफ देयर इज नो गैप बिटवीन द टू बार्स इज कॉल्ड हिस्टोग्राम्स। बार ग्राफ में तो बीच में गैप सेम होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में देयर इज नो गैप। तो वही चीज हमने इसमें ड्रॉ करनी है। इसमें पहले क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, कहता है कि विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वर्कर हैं। तो सबसे ज्यादा वर्कर कौन से में है, नाइन है, तो नाइन कौन से ग्रुप में है, 830 से 840 में। तो आंसर आ जाएगा 830 से 840, क्या आ जाएगा, 830 से 840, ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, कि कितने ऐसे वर्कर है जो 850 या 850 से ज्यादा कमाते हैं। तो देखो इंटरवल पे चलते हैं, यहां तक तो कितना है 850, यह है 850 से 860, मीन ये सारे हम इसमें काउंट कर लेंगे। क्या कहता है कि 850 एंड मोर, तो 850 या मोर कहां से है, ये है, तो ये यहां से स्टार्ट कर देते हैं हम, इसमें कर देंगे ये 1 + 3 + 1 + 1 + 4, ये हमने 1, 3, 1, 1 और 4 क्या कर देंगे एड, तो क्या आ जाएगा 4, 5, 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, कि 10 ऐसे हैं, ऐसे वर्कर हैं जो 850 या 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, कि कितने ऐसे वर्कर है जो 850 से लेस कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 840 या 840 से ज्यादा और 850 से कम, मीन यहां से लेके और यहां तक सारे क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 + 1 + 3, ये 850 से कम है, तो ये ऊपर वाले लेंगे हम, ये हो जाएगा 5 + 9 + 1 + 2 + 3, क्योंकि इसने कहता है कि लेस देन, तो लेस देन में ये 850 से लेस, ये ऊपर वाले हैं, तो ये नंबर लेंगे हम, ये कितने होंगे 14, 15 और 2 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20, तो ये कितने हो गए 20। हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं इस टेबल का। इस टेबल में 800 से 810 ये है अपने क्लास इंटरवल, तो हम यहाँ तो ले लेंगे क्या, क्लास इंटरवल, ये तो अपना आ जाएगा सी आई का मतलब क्लास इंटरवल, और इधर ले लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, इधर हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं एफ से। अब पहले इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 3, अब ये 2-2 के गैप से हम ये ले लेते हैं 0, ये आ जाएगा 2, ये 4 और ये आ जाएगा 6, ये 8 और ये आ गया हमारा 10। अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 3, तो कुछ चलने पर आएगी ये, जैसे जिग जैग कर लेते हैं 3, अब 3 कहाँ आएगी 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने 3, कितना ड्रॉ कर दिया 3 के बाद कितना करना है 2, तो 2 इसकी सिद्ध में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, उसके बाद कितना ड्रॉ करना है 1, तो 1 इसके बीच में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, उसके बाद कितना है 9, तो 9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा 9, उसके बाद कितना है 5, तो 5 इसके बीच में लगेगा, ये हो जाएगा 5, उसके बाद कितना है 1, तो 1 यहाँ आएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 1 के बाद कितना है 3, तो 3 इनके बीच में आएगा,
तो आ जाएगा थ्री, फिर वन वन और फोर है, फिर वन कहाँ था, ये था वन, ये वन और ये भी वन, और फिर कितना है फोर, तो फोर कहाँ है, ये रहा फोर, तो ये आ जाएगा फोर, फोर आ गया। अभी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक थे, 800 से 810, तो ये था 800, फिर 810, फिर 820, फिर 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, और ये कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने, इसका हिस्टोग्राम, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी इसको कन्वर्ट कर दिया हमने हिस्टोग्राम।